हेलो एवरीवन, दिस मी मनोज, इंग्लिश कोच. वेलकम टू लव इंग्लिश. और आज के लेसन में इंग्लिश ग्रामर को सुधारने के लिए 11 टिप्स लेके आया हूँ, जो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, और एज अ रिजल्ट आप अपनी इंग्लिश स्पोकन को भी इम्प्रूव करेगी. सो द टिप नंबर वन इज मेक अ कमिटमेंट. यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट टू योर सेल्फ. आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आप इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस डेली करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, और तभी आप इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो पाएगी. सेकेंड इज कीप अ ग्रामर बुक. सो ऑब्वियसली आप ग्रामर सीख रहे हो तो ग्रामर बुक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको लगे कि हाँ आपको कुछ चीज़ इसमें देखना है या सीखना है, कुछ नया ग्रामर एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए आपके पास ग्रामर बुक होना चाहिए. द थर्ड इज यूटिलाइज अ ग्रामर ऐप. सिंस अब सभी के लोग के पास, ज़्यादातर लोग के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें. आप ग्रामर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, प्लस इसके साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश डिक्शनरी भी होना चाहिए, सो दैट जब भी आपको कोई एक नया वर्ड मिले तो आप इंग्लिश डिक्शनरी में देख सकते हैं. ओके, सो इंग्लिश डिक्शनरी आई मीन आपको अवेलेबल दोनों वर्जन्स में, आई मीन ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं, आई मीन जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है. नंबर फोर इज प्रैक्टिस एवरी डे. सो सिंस यू आर लर्निंग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सो अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने स्टेप नंबर वन में बताया है, तो आपका मिस आउट हो जाएगा, जो आपका जो जर्नी है वो ब्रेक हो जाएगा और आप इंग्लिश ग्रामर में लूज कर दोगे. तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, तो आपको हर दिन एक या दो एक्टिविटीज एक्सरसाइजेज को आपको करना है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें आती रहें. नंबर फाइव इज लर्न न्यू वर्ड्स. सो लाइक आई सेड कि आपने डिक्शनरी जो डाउनलोड किया है, आप वहाँ से भी रैंडम वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, या फिर जब आप इंग्लिश की कुछ भी चीज़ अगर आप रीड कर रहे हैं और आपको कोई नया वर्ड आता है, तो आप उनको लर्न करने की कोशिश करें. द बेस्ट वे इज आपको एक दिन में कोई 10-20 वर्ड्स याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 3 से 5, आप मैक्सिमम 5 वर्ड्स ले सकते हैं. अगर आप 5 वर्ड से ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है. और वर्ड्स को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है, आपको कम से कम उस वर्ड से कम 5 से 10 सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस आप ट्राई करिए. अगर आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना पाते हैं तो वो वर्ड हमेशा के लिए यहाँ पे आपके माइंड में रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई नया वर्ड है वियर्ड, ओके, दैट इज VEIRD, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, ओके. अब मैं इस वर्ड से अलग 5 से 10 सेंटेंसेस बोल के देख लेता हूँ. अगर मैं ये कर पाता हूँ तो दैट मीन्स मुझे उस वर्ड का मतलब पता चल गया और वो वर्ड हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा. फाइन, मेरा वर्ड है वियर्ड, सो मैं बोल सकता हूँ माय ड्रेसिंग सेंस इज वियर्ड, माय हेयर स्टाइल इज वियर्ड, दैट मीन्स जो मेरा हेयर स्टाइल है वो अजीब है. माय फ्रेंड्स बिहेवियर इज वियर्ड, माय फ्रेंड्स हेयर स्टाइल इज वियर्ड, देयर आर सम पीपल एंड हु आर वियर्ड, ओके. तो इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स बोल के देखने, एक वर्ड से कम आपको 10 सेंटेंसेस बोल के देखने अलग अलग तरीके से. फाइन, तभी वो वर्ड आपके यहाँ पे हमेशा भी डाउनलोड हो जाएगा. और ज़्यादा वर्ड्स आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, 10-20 वर्ड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. हर दिन कम से कम 5 वर्ड्स लीजिए और उससे आप सेंटेंस बनाइए. द नेक्स्ट इज रीड मोर इन इंग्लिश. सो द ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा इंग्लिश में रीड करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर है या फिर कॉमिक्स है या फिर कोई नॉवल पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, प्लस उसमें आपको नए सेंटेंसेस स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उसमें आपको समझ आता है कि किस वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जाता है, नाउन को कैसे यूज़ किया जा रहा है, या फिर प्रपोजिशन को कैसे यूज़ किया जा रहा है, या फिर प्रोनाउन को कैसे यूज़ किया जा रहा है. क्योंकि जितना पढ़ते हो उतना आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती है, वर्ड्स को लेके, ग्रामर को लेके, आई मीन उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके, तो ऑटोमेटिकली जो हम नेचुरल इंग्लिश की बात करते हैं, तो नेचुरल इंग्लिश तभी आ पाएगी जब आप चीज़ों को ज़्यादा रीड करेंगे. द सेवंथ टिप इज लिसनिंग इन इंग्लिश. सो दिस इज रियली आई मीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश. तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में सुनेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी होगी, आपको स्ट्रेस पैटर्न का पता चलेगा कि कहाँ पे किस वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस डालना है और कहाँ पे नहीं डालना है, ओके. और जब आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन, जो चेहरे के हाव भाव हैं, जो भी स्पीकर बोल रहा है, आपको एक्सप्रेशन भी पता चलते हैं. तो आप अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशन पता नहीं है कि लैंग्वेज में किस तरह से बोलते हैं, तो अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन भी करेंगे तो वो आपकी बातों को लाइटली लेंगे, वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे. तो चेहरे के हाव भाव हम तभी जान पाएंगे जब हम चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, ओके.
नंबर एट इज ट्राई कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। ओके, तो जितना भी ज्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, सी सामने वाले से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात करेगा, तो आपको शुरुआत आपको करनी है। फाइन, तो जहां भी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स से बात करो, चाहे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी के साथ इंग्लिश का यूज करके करो। ओके, आप अपने फ्रेंड्स से कोशिश करो बात करने की, अपने ऑफिस में बात करो करने की, अपने बॉस से कर सकते हो, आप कलीग से कर सकते हो, या फिर ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो, आप सुपर मार्केट में जा रहे हो, फिर कस्टमर केयर पे बात कर रहे हो आप। तो जहाँ भी हो सके आपको इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलना है, बेशक आप गलत इंग्लिश बोलो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है शुरुआत में। ओके, जब आप उसमें इंग्लिश में कुछ टाइम आपने स्पेंड कर लिया है तो आप खुद ब खुद उसको इम्प्रूव करते हो ऑलरेडी। द नेक्स्ट इज नंबर 9 इज वॉच इंग्लिश मूवीज और टीवी सीरीज। फाइन, तो आप इंग्लिश मूवीज देखिए जितना ज्यादा हो सके सबटाइटल्स के साथ। इनिशियल लेवल पे आपको सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप सबटाइटल जो नीचे लिखा हुआ आता है तो साथ साथ आप उसको रीड कर सकते हैं। जब इनिशियल, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल लेवल पे आप मूवीज देख सकते हैं और वेब सीरीज देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। जब आप उसमें कुछ ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर लोगे तो आपको सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इनिशियली आपको सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि जो उनका रेट ऑफ स्पीच होता है बहुत ज्यादा होता है, सो इसलिए। द नेक्स्ट नंबर 10 इज राइट मोर इन इंग्लिश। सो अगेन, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में लिखेंगे, हो सकता है अगर आप कोई नया वर्ड आपने लर्न किया है आज, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नए 3 वर्ड्स ढूंढे हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं और उनसे आप अलग अलग सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। फाइन, तो आप क्योंकि राइटिंग अगर आप ज्यादा करते हो तो उसमें आप कोई भी चीज बोल बोल के आप लिखते हो, जब आप कोई भी चीज बोल बोल के लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चला जाता है। तो ज्यादा राइट करने की कोशिश करो, इससे आपकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। फाइन, एंड द लास्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द ग्रामर रूल। अगर कोई भी ग्रामर रूल है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रूल लॉजिक होता ही होता है। ओके, तो आप उस लॉजिक को देखिए कि लॉजिक कोई भी रूल है तो ये ऐसा क्यों दे रखा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्यों दिया गया है हमें। फाइन, टी ओ को हम टू पढ़ते हैं, जी ओ को हम गो पढ़ते हैं, तो कुछ लॉजिक भी आप जानने की कोशिश करो, ये आपको हेल्प करेगा ग्रामर को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए, ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए। कहीं पे लॉजिक होगा कहीं पे लॉजिक नहीं होगा। ओके, क्योंकि इंग्लिश नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको लॉजिक मिलेंगे कहीं पे आपको लॉजिक नहीं मिलेंगे। फाइन, तो आपको दोनों चीज एक्सेप्ट करना है। फाइन, सो ये सारे 11 टिप्स है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट इज मेक अ कमिटमेंट, आपको सबसे पहले अपने आपको कमिट करना है कि मैं हर दिन इतना टाइम इंग्लिश ग्रामर को दूंगा। सेकेंड इज कीप अ ग्रामर बुक, क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास इंग्लिश ग्रामर बुक होनी चाहिए। थर्ड इज यूटिलाइज अ ग्रामर ऐप, आपके पास इंग्लिश में इंग्लिश डिक्शनरी ऐप होना चाहिए और इंग्लिश लर्निंग ऐप होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर लर्निंग ऐप होना चाहिए फोन में आपको। टिप नंबर 4 इज प्रैक्टिस एवरी डे, आपको इंग्लिश हर दिन प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज एटलीस्ट एक एक्सरसाइज आपको हर दिन कंप्लीट करना है। नंबर 5 इज लर्न न्यू वर्ड्स, आपको कुछ नए वर्ड्स जरूरी है कि आप सीखेंगे, आप उससे सेंटेंसेस बनाएंगे। नंबर 6 इज रीड मोर इन इंग्लिश, आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में पढ़ना है। नंबर 7 इज लिसन इन इंग्लिश, तो चाहे आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इंग्लिश रेडियो सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नंबर 8 इज ट्राई एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो जहां भी हो सके आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, लोगों से बात करना है। नंबर 9 इज वॉच इंग्लिश मूवीज और टीवी सीरीज, जितना इंग्लिश मूवीज देखोगे आप, टीवी सीरीज देखोगे, उतनी आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, नेचुरल इंग्लिश आप बोल पाएंगे। नंबर 10 इज राइट मोर इन इंग्लिश, तो जितना आप ज्यादा इंग्लिश में लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग अच्छी होगी आपकी। नंबर 11 इज अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बिहाइंड द ग्रामर रूल, तो कोई भी ग्रामर रूल तो उसके पीछे का आपको लॉजिक समझना है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो दीज वर द 11 टिप्स, आई होप यू वुड फाइंड समथिंग हेल्पफुल।
और आप इनको रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन।